नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा हम वेबसाइट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। दोस्तों आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हमारे कंप्यूटर हमारे अलावा भी कोई और यूज़ करता होगा, जैसे कि फैमिली मेंबर हो गया, कोई आपके फैमिली में बच्चे हैं या और कोई, तो हम चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जो कि आप चाहते हैं कि कोई और उनको आपके अलावा एक्सेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं वेबसाइट को ब्लॉक करने के। मैं आज आपको जो है सबसे सिंपल तरीका बताऊँगा। तो चलिए हम कंप्यूटर पर चलते हैं और सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। तो आप सबसे पहले जो है आपकी सी ड्राइव में जाइएगा। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जो विंडोज़ फोल्डर है उसमें जाएंगे। विंडोज़ फोल्डर में आपको एक सिस्टम 32 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको ड्राइवर नाम से एक फोल्डर मिलेगा, ड्राइवर्स। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर होंगे बट आपको ड्राइवर्स जो है इस फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आपको ETC करके एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर के अंदर आपको होस्ट फाइल, और भी कई होस्ट फाइल होती है बट आपको ये जो होस्ट फाइल है जो आपको सबसे फर्स्ट में दिख रही है HOSTS, होस्ट फाइल को आपको राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन आप इसमें जो है नोटपैड में कर सकते हैं, आपके जो नोटपैड है जिससे कि इस तरह से आप ओपन करके, ये ओपन में आप नोट इसको ओपन कर ली। अब यहाँ पे आप काफ़ी सारी, जैसे कि मैंने वेबसाइट ब्लॉक करी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको अगर ब्लॉक करना है तो इस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कोई भी वेबसाइट है, ये हैश सबसे पहले आपको लिखना है, एक टैप देना है, बीच में स्पेस देना है, और यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट लिख सकते हैं। जैसे www. आपको गूगल ब्लॉक करना है, google.com, तो ये आपने जो है वेबसाइट ब्लॉक कर दी। अब आप इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद जो है गूगल आप कभी भी नहीं खोल पाएंगे आप इसको। जैसे हम यहाँ पे जाके इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। सेव करने के बाद ओके कर देंगे। मुझे गूगल अभी नहीं करना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप सेव करके इसको जो है क्लोज कर दीजिएगा। इस तरह से आप आपकी वेबसाइट जो है ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और भी इसी तरह वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।